तो दोस्तों अगर आप लोगों ने कहीं से भी लोन ले रखा हो, चाहे वो लोन आप लोगों का होम लोन के रूप में हो, आप लोगों का पर्सनल लोन के रूप में हो, या फिर आप लोगों का कार लोन के रूप में हो, या फिर आप लोगों ने कहीं प्रोडक्ट खरीद रखा हो उसकी आप लोगों की हर महीने की ईएमआई जा रही हो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से जो पर्सनली अप्लाइड है मेरे ऊपर, जो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मेरे लोन की ईएमआई कम हो सके, बहरहाल मेरे ऊपर अभी किसी भी तरह का लोन नहीं है। हाँ, एक दो प्रोडक्ट्स की ईएमआई कटती है, लेकिन उनको भी मैंने काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है कि मेरे ऊपर उनके ज्यादा बर्डन नहीं समझ में आते हैं। तो वही मैं आप लोगों को 4 से 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोग अपने लोन के ऊपर, चाहे आप लोग का किसी भी तरह का लोन हो, अप्लाई करके उसके बर्डन को कम कर सकते हैं, ईएमआईज को कम कर सकते हैं। ईएमआईज को कम कर सकते हैं यानी कि दोस्तों आप लोगों को ईएमआई देना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग उसको किस तरह से कम कर सकते हैं और बर्डन आप लोगों के ऊपर कम पड़े, इस बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। कोई मैं आप लोगों को यहां पे जादू नहीं बताने वाला हूं कि ये ट्रिक अपनाइए तो आप लोगों का लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करके किसी और जादुई वीडियो पे चले जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो सबसे पहला टिप्स जो मैं सभी को बताता हूं कि अगर आप लोग लोन लेने जा रहे हैं तो ध्यान ये रखिए कि अगर आप लोगों ने अभी तक लोन नहीं लिया है तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोग कोई एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें अपना। अगर आप लोगों ने लोन ले लिया है तब भी आप लोग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें। अब इमरजेंसी फंड आप लोगों की मदद कैसे करेगा, जैसे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग कहीं बिजनेस भी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आप लोग कहीं से अर्न कर रहे हैं, अगर वो सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाए तो आप लोगों के ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं या फिर कह लीजिए कि जो आप लोगों के ये इमरजेंसी फंड है, ये आप लोगों की ईएमआईज को चुका देंगे। अब केवल ईएमआईज ही आप लोगों के सामने नहीं आते हैं, आप लोगों की हेल्थ इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, आप लोगों को इंस्टेंट कहीं पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहले, तो अगर आप लोगों के लोन की ईएमआईज जा रही या फिर आप लोगों ने कहीं से लोन ले रखा है और अभी आप लोग प्रेजेंटली में ऑन कर रहे हैं कहीं से, तो सबसे पहले तो आप लोग एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रख लीजिए कि बाय चांस फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को लोन की ईएमआईज को चुकाने में किसी तरह की समस्या ना आए, आप लोग यहां से अपना पैसा निकाल करके लोन की ईएमआईज को चुका डाले। अगर आप लोग लोन की ईएमआईज को मिस करते हैं दोस्तों, तो एक तो आप लोगों को पेनल्टीज देनी पड़ती है, ऊपर से आप लोगों के क्रेडिट स्कोर वगैरह सब कुछ खराब हो सकते हैं, सिविल स्कोर सब कुछ खराब हो जाता है, फिर आप लोगों का फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी लोन की तो वहां से आप लोग उसको नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है या फिर अगर आप लोग कभी फ्यूचर में लोन लेंगे, आपने प्लानिंग कर रखी है भैया कि मुझे घर खरीदना है, होम लोन लूंगा, तो अभी से आप लोग अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अब दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है या फिर अगर आप लोग लेने जाएंगे फ्यूचर में, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि सबसे कम ब्याज दर वाली कंपनी कौन सी है या फिर सबसे कम ब्याज दर में हमें कौन सा बैंक लोन दे रहा है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी बैंक आप लोगों को कम ब्याज दर पे वो लोन ऑफर कर रही है, चाहे होम हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे आप लोगों का कार हो या फिर किसी भी तरह का लोन हो, तो आप लोग अपने लोन को उस बैंक में ट्रांसफर कर ले। मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताया है वीडियोस में कि क्या प्रोसीजर आती है अगर आप लोग अपने लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के आप लोगों की जो भी चीजें होती हैं और बैंक क्या करता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप लोगों का ए बैंक जो भी है, जो भी आप लोगों ने चूज किया है लोन लेने के लिए और जहां से आप लोगों ने लोन ले रखा है, तो वहां की आप लोग प्रोसेसिंग फीस और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है लोन ट्रांसफर के, वो सब आप लोग कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आप लोगों का जो पूरा लोन चुकाएंगे उससे ज्यादा तो नहीं निकल करके आ रहा है या फिर उससे बराबर तो नहीं निकल करके आ रहा है, तो आप लोगों को वहां पे अपने लोन को ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 1% या फिर 0.5% से ज्यादा के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है डिफरेंस लोन के, तो आप लोग वहां पे तुरंत ट्रांसफर करा लीजिए। अब दोस्तों यहां मैं जो आप लोगों के साथ तीसरी टिप शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लोगों के लोन की ईएमआई का बर्डन कम हो सकता है, वो ये है कि आप लोग अपने लोन की टेनर को बढ़ा लें, लोन की अवधि को बढ़ा लें, लोन को थोड़ा और लंबे समय तक दे दें भरने के लिए। यहां पे अगर आप लोग लोन को थोड़ा लंबे समय तक ले जाते हैं तो यहां पे एक्स्ट्रा ब्याज दरें आप लोगों को देनी पड़ेंगी, लेकिन आप लोगों के ऊपर बर्डन कम आ जाएगा। अगर आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं है तो आप लोगों को लोन के टेनर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब कई लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है
कि हम लोन के टेनर को कैसे बढ़ाएं जबकि हम ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग लोन के टेनर को बढ़ा सकते हैं, आप लोग अपने बैंक ब्रांच से विजिट कीजिए या फिर जहां से भी आप लोगों ने लोन ले रखा है वहां पर विजिट करेंगे तो आप लोगों को ये सुविधा मिलती है कि आप लोग अपने लोन के समय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 20 साल का होम लोन लिया हुआ है तो आप लोग उसे 21 साल कर सकते हैं, 22 साल कर सकते हैं, 25 साल कर सकते हैं। ये आप लोगों के उस पे इनकम पे डिपेंड करता है। कई बार आप लोगों के बैंक इनकम्स को भी देखते हैं तो अगर उनको लगता है कि हाँ आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है तो वो चीजें आप लोगों का बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए एप्लीकेशन लिखना होगा जाकर के। और ये टिप्स दोस्तों सभी के लिए काम में आ सकती है, लेकिन एक बात जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों का जो भी लोन के इंटरेस्ट रेट है वो आप लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो इस बात का भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो चौथी टिप्स है आप लोगों के लिए लोन की ईएमआईस के बर्डन को कम करने के लिए कि आप लोग लोन ज्यादा मत लें। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही कहा कि आप लोग अपने कुछ इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट्स को करके रखें। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में हैं तो लिक्विड फंड्स में डालें, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट करा करके रखें 6 महीनों की, 1 साल की, उसको रिन्यूअल पे डाल दें। अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहे। तो इस तरह के आप लोग कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करके अपने पास रखें जिससे कि आप लोगों को इस तरह के लोन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा लोन से लेने से बचें, क्योंकि आजकल लो कॉस्ट ईएमआई का भैया ऑप्शन आ गया है तो हम लोग बिना सोचे समझे आराम से लोन ले लेते हैं। फिर जब आगे चल करके कुछ समस्या आ जाती है, कहीं पैसों की एकमुश्त जरूरत पड़ती है तो फिर हमारे लोन की ईएमआई चुकाने में बड़ी समस्या हो जाती है। तो वहां पे फिर हमें समझ में आता है कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए था या फिर हमें ये लोन नहीं लेना चाहिए था, फिर वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें बॉर्डर लगने लगती हैं। तो आप लोग सोच समझ करके ही जो चीजों की जरूरत हो, जो चीजें लगता है कि भैया ये लोन के बिना कुछ नहीं हो सकता, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ 2 से 3 महीनों में पैसा कलेक्ट करके इसे डायरेक्टली बाय कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली मैं जो भी चीजें करना चाहते हैं आप लोग लोन लेकर के वो कर सकता हूँ, तो अगर पॉसिबल है तो वो ऑप्शन आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो ज्यादा लोन लेने से आप लोग बचिए। अब पांचवा दोस्तों, खैर इससे आप लोगों का लोन का बर्डन तो कम नहीं होगा लेकिन आप लोगों की बार बार ईएमआई कटने की समस्या से आप लोग बच सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि आपकी जो भी ईएमआईज हैं उनको एक दूसरे में मर्ज कर दें, यानी कि आप लोगों के अकाउंट से एक बार में ही जितनी भी ईएमआईज हो वो सारा निकल जाए। इससे क्या होता है कि आप लोग एक मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं कि हाँ भैया इस तारीख को इसकी ईएमआई जाएगी, इस तारीख को उसकी ईएमआई जाएगी, तो फड़ाना ढिकाना ये कई बार साइकोलॉजिकल हमारे मन में समस्या रहती है और एक तरीके से टेंस रहता है। तो आप लोग इसके बर्डन से बचने के लिए अगर आप लोगों ने ज्यादा लोन ले रखा है और अलग अलग डेट्स पे वो लोन्स की ईएमआई कटती है तो आप लोग एक दूसरे पे मर्ज करके एक ही दिन पे आप लोगों की सारी ईएमआई को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर उस समय आप लोगों की लोन की ईएमआई जो होगी उस डेट को अगर नहीं चुक पाती है तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ उस डेट को आप लोगों की ईएमआई निकल जाएगी तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक डेट में ही निकाल देना चाहिए। और ये वाला ऑप्शन मैं यूज करता हूँ जिससे कि मुझे ज्यादा बर्डन नहीं लगता है कि भैया ये वाले डेट में कटनी है, हम अभी पैसा इसमें से ना निकालें, तो वहां पे हम लोग अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज भी कर पाते हैं और हमारे ऊपर बर्डन भी कम रहता है। तो बस दोस्तों यही कुछ 5 टिप्स हैं, ये जेन्युइन टिप्स हैं जो आप लोग रियली में कर सकते हैं। और कई सारी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी कि ये कर लो वो कर लो, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है प्रैक्टिकली। आप लोग ये सारी चीजें करके अपने लोन के बर्डन को कम कर सकते हैं, अपने लोन के जो भी आप लोगों को लग रहा है भैया कि हमारे सर के ऊपर माथा पच्ची पड़ी हुई है, तो आप लोग टेनर को बढ़ा करके अपने इमरजेंसी फंड्स को क्रिएट करके ये सारा कुछ यूज करके अपने लोन की ईएमआईज के बर्डन को कम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं और कुछ आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोज में लेकर के आऊंगा कुछ और टिप्स। अगर आप लोग चाहते हो कुछ और वीडियोज अपने रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों की वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं, खास करके उनके साथ जो लोग लोन लेने अभी जाएंगे या फिर फ्यूचर में लोन ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।